मी आपका पेज लेफ्ट पे गुरु हमारी समस्या है कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। हम लोग एमएसडब्ल्यू के छात्र हैं, प्रथम सेमेस्टर के आरडीबीबी से एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं। जब हमने एडमिशन लिया था तब हमें ये बताया गया था कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वो सेल्फ फाइनेंस और पेमेंट शीट के बेस पे हुआ है और इस बेस पे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। पर ये आदेश हमारे एडमिशन लेने के एक महीने बाद आया है। और यहाँ पे हम लोग आए, हम लोग का एडमिशन हुआ जब हमारा एडमिशन हुआ था, जो मेरिट लिस्ट पे हुआ है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। हमने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें मेरिट लिस्ट लिखा हुआ कि मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हुआ है। प्लस यहाँ पर भी हम लोग जहाँ डिपार्टमेंट जाते हैं तो वो बोलते हैं एसटीएससी सेल जाओ, एसटीएससी सेल जाते तो बोलते कलेक्टेड में जाओ। यहाँ आदिवासी सेल आए तो वो बोलते हम लोग तो स्टूडेंट को अंदर आने ही नहीं देते हैं। उन्होंने गाइडलाइन भी हमें देखने नहीं दी। एमएसडब्ल्यू के आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, हम लोग ने यहाँ पे भी आके कोशिश करी गाइडलाइन देखने की, तो हम लोग को गाइडलाइन दिखाई नहीं गई और साफ साफ मना कर दिया गया कि आप स्टूडेंटों को ना गाइडलाइन दिखाई जाएगी और यहाँ पे अलाउ नहीं है आप लोगों को आना। बोलते आएंगे अब एंट्री नहीं दी जाएगी। तो हम लोग को हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के बेस पे कर रहे हैं कि आगे हम लोग और जाके और भी पढ़ाई कर सके, और भी कोर्स कर सके, लेकिन जब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो हम लोग को पढ़ाई करने में अभी बहुत समस्या जा रही है।